हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इट्स मी पूजा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस स्टाइल्स। में तो आज की वीडियो होने वाली है इंदरलोक थर्सडे पटरी मार्केट की। आज की वीडियो में आपको किड्स वेयर कलेक्शन से लेकर सारा कलेक्शन दिखाऊंगी, क्या क्या इस मार्केट में आपको मिल जाता है वो भी बहुत सस्ते रेट में, और मेट्रो स्टेशन के नीचे का कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि इस बार मेट्रो स्टेशन के नीचे क्या क्या कलेक्शन लगा था। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं आज का कलेक्शन क्या क्या हमें देखने को मिला है। जैसे मैंने मार्केट में एंट्री करा, सर्वोदय स्कूल के आगे ये भैया कुर्ती पैंट लगाते हैं, तो 250 रुपीज़ प्राइस था। 250 रुपये में आपको इस तरह की कुर्ती पैंट मिल रही थी। सारे ही साइजेस इसमें अवेलेबल होते हैं, स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक आपको साइजेस मिल जाते हैं, और इसमें आपको कुर्ती पैंट का सेट मिल जाता है। काफ़ी सही होता है 250 रुपीज़ में, और क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग होती है। फैब्रिक जो होता है ना, हैवी मटेरियल में होता है। तो ये सर्वोदय स्कूल है, मार्केट में एंट्री करते हैं स्कूल, सबसे पहले स्कूल आता है, स्कूल के आगे भैया हमेशा इनकी लोकेशन ना फिक्स है, ये यहीं पर ही लगाते हैं, इनकी लोकेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो भी लेना अच्छे से चेक करके परचेस कर लेना, प्राइस में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। भैया का सेल प्राइस है, भैया का प्राइस हमेशा ही एक सा ही होता है, तो बार्गेनिंग वाले कोई चांसेस नहीं है। तो जो प्राइस भैया बताएंगे उसी प्राइस में आपको परचेस करना होगा। तो भैया इस तरह का कलेक्शन लेके आते हैं स्कूल के आगे, मार्केट में जैसे एंट्री करोगे स्कूल के आगे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। चलिए और आगे चलते हैं, आगे का कलेक्शन देख लेते हैं। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है, तो प्लीज़ अपने फ़ोन पर्स का खासकर ध्यान रख के ही यहाँ पर शॉपिंग करें, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोरी होती रहती है। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो यहाँ पे भैया देखिए इस तरह के इन्होंने टी शर्ट्स लगाई हुई थी, और काफ़ी बढ़िया कलेक्शन इन भैया के पास होता है यहाँ पे। तो ये जो नीचे टी शर्ट थी 150 रुपीज़ प्राइस था, ऊपर जो वन पीसेस ड्रेस है नाइट वियर की वो आपको डिफरेंट प्राइस में मिल जाएगी। ₹350 में यहाँ पे बेबी गर्ल्स बेबी बॉयज़ का कंप्लीट कलेक्शन मिल रहा था। इसमें फ्रॉक स्कर्ट टॉप और आपको बॉयज़ के लिए भी इस तरह का कलेक्शन मिल जाएगा। फिर मैं आई दूसरे भैया के पास, तो इन वाले भैया ने भी सेल लगाई हुई थी 350 रुपये की। 350 रुपये में आपको देखिए इस तरह का कलेक्शन मिल जाता है बच्चों का, और ये देखिए 5 से 7 साल से स्टार्टिंग है और 10 से 12 साल तक के बच्चों का कलेक्शन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। 350 रुपये फिक्स प्राइस है सेल का। मार्केट में जगह जगह आपको बच्चों के कपड़े देखने को मिल जाते हैं, सभी के डिफरेंट प्राइस होते हैं। जहाँ पे आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग मिले वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, अच्छे से चेक करके परचेस कर लेना। वैसे सारा ही कलेक्शन एकदम फ्रेश क्वालिटी का, A1 क्वालिटी का होता है, फिर भी आपका काम है अच्छे से चेक करके परचेस करना। तो देखिए इस तरह का कलेक्शन था यहाँ पे। चलिए और आगे चलते हैं और कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें देखिए एक ये स्कल टॉप था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रहा था, और इसका प्राइस 350 रुपीज़ था, क्योंकि सेल प्राइस है, सेम फिक्स ही होता है, तो कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती है यहाँ पे। जो भैया बताएंगे उसी में आपको परचेस करना होगा। लेकिन हाँ, ड्रेसेस वगैरह काफ़ी सही थी, तो इस तरह की आपको फ्रॉक भी मिल रही थी। इसमें मिक्स कलेक्शन था, इसमें स्कर्ट वाले ऑप्शंस मिल रहे थे आपको, और क्रॉप टॉप स्कर्ट मिल रही थी, मिनी स्कर्ट वाले मिल रहे थे, फ्रॉक मिल रही थी, और पैंट टॉप भी आपको इसमें मिल रहा था। तो ये 350 रुपीज़ में आप इस तरह का कलेक्शन ले सकते हो। फेस्टिवल आ ही चुके हैं, ईद आ रही है, नवरात्रे आने वाले हैं, तो अपने बच्चों के लिए इस तरह का कलेक्शन आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे एक भैया ने देखिए बच्चों के नॉर्मल यूज़ वाले लगाए हुए थे, लेकिन ये काफ़ी सही लगते हैं और समर में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो इनका प्राइस 100 रुपये था, वैसे ये 160 रुपये की सेल में मिलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे भैया यहाँ पे 100 रुपये की सेल में सेल कर रहे थे। तो ठीक है, काफ़ी सस्ते में कभी कभी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और देखो वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन भैया का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो ये भैया कहाँ मिलेगी? सबा नर्सिंग होम से थोड़ा सा आगे बाहरी आपको गली के मिल जाएंगे, सबा नर्सिंग होम वाली गली के बाहरी ये भैया मिल जाएंगे आपको 100 रुपीज़ में। ये आपको कलेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। और देखिए न्यू बॉर्न बेबी से लेकर आपको 4 से 5 साल तक के बच्चे का इसमें कलेक्शन मिल जाता है 100 रुपये में। अब इसमें आपको टी शर्ट मिल जाएगी, किसी किसी में आपको निकर मिलेगी, किसी में आपको पजामी मिल जाएगी, और किसी किसी में आपको डेनिम वाली पैंट भी मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी सही कलेक्शन यहाँ पे भैया के पास हमेशा ही होता है। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये वाला कलेक्शन, और इतने रीजनेबल प्राइस में था सब। इतने सा कोई भी जना यहाँ पे जो भी पीसेस ले रहा था वो एक भी जना एक पीस नहीं ले रहा था, सब 3-3, 4-4 पीसेस ले रहे थे, क्योंकि इतने अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे कलेक्शन मिल रहा था।
तो इस तरह का कलेक्शन इंदर लोक ठस्टे पट्टी मार्केट में आपको मिलता रहता है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी इसमें मुझे देखिए टॉप मिला और नीचे स्कल थी, तो इसका भी सेम ही प्राइस था 100 रुपये। ऑप्शंस बहुत सारे थे, फुल स्लीव में, हाफ स्लीव में, विदाउट स्लीव में, और कलर ऑप्शंस में भी कोई कमी नहीं थी, साइजेस में भी कोई कमी नहीं थी। और इसमें बेबी गर्ल्स बेबी बॉयज दोनों का ही मिक्स कलेक्शन था। आप दोनों के लिए परचेस कर सकते हो यहाँ से इतने रीजनेबल प्राइस में। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, प्लीज़ अपने फ़ोन पर्स का आपको खास कर ध्यान रखना है। ये मैं बार बार इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि अगर आप स्किप करके देखते हो तो हर बार आपको मेरी ये बात पता चलती रहे। तो फिर मैं दूसरे भैया के पास आई यहाँ पे। तो ये भैया 50 रुपये में, ओनली 50 रुपये में टी शर्ट लेके आए हुए यहाँ पे। इसमें मिक्स कलेक्शन है, सबके इस तरह की आपको यहाँ पे लेगिंग्स में मिल जाएगी। ये जो 50 रुपये में टी शर्ट देखिए, ये भी आपको 50 रुपये में ही मिल रही है। 50 रुपये में, 50 रुपये में, 50 रुपये में, 50 रुपये में। तो ये 50 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे जो भैया ने सेल लगाई हुई है, इसमें छोटी टी शर्ट से लेकर बड़ी टी शर्ट भी थी मेंस वियर के, मेंस के लिए, और प्राइस सेम ही था 50 रुपये। अब आप बच्चों की लो या बड़ों की लो, बच्चों की पजामी लो, बेबी गर्ल्स की लो, बेबी बॉयज की लो, गर्ल्स टॉप लो, मतलब इसमें जो भी चीज़ें थी सब कुछ आपको 50 रुपीज में ही मिल रही थी। अब भैया देखिए मुझे टॉप निकाल के दिखा रहे हैं, फुल स्लीव के टॉप थे, काफ़ी सही थे लेंथ और विड, और 50-50 रुपीस में मिल रहे थे, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये वाला कलेक्शन। तो इस तरह की सेल भी आपको जगह जगह मिल जाती है मार्केट में, और ये वाला टॉप भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा कूल था और इसका प्राइस 50 रुपीस ही था। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप थे, इन चीज़ों में आपको काफ़ी बढ़िया कलेक्शन मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ढूंढना पड़ता है, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो 50-50 रुपये में कोई बुरा नहीं है, काफ़ी बढ़िया ही मिल रहा है आपको, तो इस तरह का कलेक्शन मिलता है। चलिए और आगे चलते हैं और आगे का कलेक्शन भी दिखा देती हूँ। फिर ये एक और टॉप मुझे देखने को मिला जिस पे ए लिखा हुआ था, और ये कलर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और एकदम अलग ही दिख रहा था ना पड़ा हुआ यहाँ पे, और इस पर टैग वगैरह भी लगे हुए थे, एकदम फ्रेश मटेरियल। भैया के पास ये सारा कलेक्शन था यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो एक भैया नाइट सूट का कलेक्शन लगाते हैं, जिनके पास आपको नाइट सूट कॉर्ड सेट मिल जाते हैं। इनके पास नाइट सूट की स्टार्टिंग हो जाती है 250 से। अब आपको 250, 300, 350 इस तरह की रेंज में आपको नाइट सूट यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप कॉर्ड सेट वगैरह लेते हो तो उसकी रेंज स्टार्ट है 350 रुपीज़ से, ठीक है। तो अगर आपको बड़ नाइट सूट चाहिए तो आप भैया से ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया कलेक्शन इनके पास हमेशा ही होता है, भैया पे काफ़ी क्राउड होता है, तो जब भी लेना अच्छे से देख के परचेस कर लेना, और भैया की लोकेशन फिक्स है। फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग वाली टी शर्ट मिल जाएगी जिनका प्राइस है 150 रुपीज़। 150 रुपये में आपको लॉन्ग वाली टी शर्ट मिल जाती है। कलर ऑप्शन डिजाइन बहुत सुंदर सुंदर देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो देखिए कितना बढ़िया कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए और भैया का कलेक्शन दिखाती हूँ। इन भैया के पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई होती है और प्राइस फिक्स होता है, प्राइस में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। यहाँ पे भैया आज शर्ट लेके आए हुए थे, 250 रुपीज़ प्राइस था इन शर्ट्स का, और आप इनमें कलर्स देखिए, कलर्स आपको कितने सारे मिल रहे हैं, लाइट से लाइट कलर, डार्क से डार्क कलर, आपको सारे ही कलर्स इसमें मिल जाएंगे। प्राइस फिक्स होने वाला है, प्राइस में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, फिक्स प्राइस में आपको ये शर्ट कलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेट्रो स्टेशन के नीचे का कलेक्शन। कैसे दे रहा भाई? 30 रुपये में दे रहे लिए चल। सो भैया का प्राइस तो आपने सुन लिया होगा, 100 रुपये में 5 आपको टेबल कवर मिल रहे हैं 20 रुपीज में। इसमें कुछ पीसेस डिफेक्टेड भी है लेकिन कुछ पीसेस एकदम फ्रेश क्वालिटी के हैं। कलेक्शन देखो आप कितना सारा है, तो 20-20 रुपये में मिल रहा है, काफ़ी सही कलेक्शन भैया सेल कर रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये के 5। तो इस तरह का कलेक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए आप चलते हैं दूसरे भैया के पास। यहाँ पे एक भैया ने फैब्रिक लगाया हुआ था जो काफी ज्यादा देखने में बढ़िया लग रहा था, तो भैया सेल कर रहे थे 100 रुपए का 2 मीटर, तो मुझे तो सही लगा, 50 रुपए मीटर के हिसाब से भैया यहाँ पे सेल कर रहे थे। इसमें आपको 2-3 कलर ऑप्शंस मिल जाएगी देखने को, काफी सही कलेक्शन यहाँ पे भैया लेके आए हुए थे। और जो ये नेट आप देख रहे हो गोल्डन कलर वाली, ये भी आपको 100 रुपए में 2 मीटर मिल रही थी, तो 50 रुपए मीटर में काफी बढ़िया नेट थी, हैवी क्वालिटी की नेट थी। तो 100 रुपए में 2 मीटर इस तरह का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही सस्ते रेट में आपको यहाँ पे सारे ही फैब्रिक और नेट कलेक्शन मिल जाता है। और भी अदर चीज़ें जो आपको किसी मार्केट में नहीं मिल रही, इस मार्केट में काफ़ी चांसेस होते हैं उस चीज़ के मिलने के। और ये सारा कलेक्शन मेट्रो स्टेशन के नीचे है, मेट्रो स्टेशन के नीचे काफ़ी टाइम से कलेक्शन नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार कलेक्शन लग गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही MCD वाले पुलिस वाले आ गए थे तो भैया लोगों ने हटा लिया था। और ये भैया ने बोरे में से कुर्ती निकाली है, 100 रुपीज़ की सेल कर रहे थे भैया, तो ये बिना सिली हुई कुर्ती थी। तो इस तरह का कलेक्शन आपको यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के इधर मिलता है, मेट्रो स्टेशन के इधर आपको बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी हमेशा ही। और जब मैं यहाँ पे गई तो कुछ देर ही कलेक्शन लगा था, फिर MCD वाले पुलिस वाले आ गए थे, सभी भैया लोगों ने कलेक्शन हटा लिया था। मार्केट में कुछ टाइम से यही चल रहा है, तो अगर आप आते हो आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल मार्केट लग जाती है पहले की तरह ही। तो ये भैया अभी अपने बोरे में से कलेक्शन निकाल ही रहे थे, कुर्ती के जो कपड़े हैं पूरी कंप्लीट कुर्ती बन जाएगी आपकी, 100-100 रुपये प्राइस है इनका। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप परचेस कर लेना। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से आप निकलोगे तो बिल्कुल मार्केट में एंट्री होगी, और जैसे ही निकलोगे ना भैया मिलेंगे सबसे पहले। मार्केट का व्यू देखो, मतलब इतना इतने ज़्यादा कलेक्शन भैया लोगों ने लगाया नहीं था, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और भैया ने ना फैब्रिक लगाया हुआ है अस्तर वाला, इस तरह का फैब्रिक मिल रहा है आपको, ठीक है भैया? कितने का है? 20 रुपीज़ मीटर के हिसाब से, ठीक है, ये है मार्केट स्टेशन। 30 रुपये मीटर के हिसाब से भैया यहाँ पे अस्तर सेल कर रहे थे। क्राउड देखो, भैया बिल्कुल सीढ़ी के पास ही लगा रखे हैं, गेट नंबर 5 के पास आपको भैया मिल जाएंगे। इनके पास अस्तर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, सारे ही कलर ऑप्शंस थे और थान में था। जितना मीटर आपको चाहिए भैया उतना मीटर आपको दे देंगे। मुझे तो काफ़ी सही कलेक्शन भैया के पास यहाँ पे लगा, क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी यहाँ पे देखिए आप। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आपको यहाँ पे फैब्रिक से रिलेटेड मिल जाते हैं, जिस भी टाइप का फैब्रिक आपको चाहिए वो यहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं वो फैब्रिक मिलने के। तो मार्केट में जब भी आते हो फोन पर्स का आपको खासकर ध्यान रखना है, और जितना जल्दी आ जाओ वैसे ठीक है, अगर पटरी वगैरह नहीं लगती है जब तक आप गलियों के अंदर घूम लो, अंदर काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मिलता है देखने को, उसके बाद आप बाहर आके ले सकते हो। फिर यहाँ पे एक और भैया ने फैब्रिक लगाया हुआ था, ये भैया भी आपको पिलर के पास मिल जाएगी, जैसे ही मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करते हैं तभी भैया आपको मिल जाएगी। 30 रुपये मीटर के हिसाब से ये वाले भैया आप सेल करते हैं, तो इनके पास भी फैब्रिक का काफ़ी बढ़िया कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा हमेशा ही। तो ये भैया हमेशा हर बार ना बहुत सस्ती सस्ती सेल लाते हैं, कभी कभी तो भैया 10 रुपये मीटर वाला फैब्रिक भी ले आते हैं। अदरवाइज आज भैया 30 रुपये मीटर वाला कलेक्शन लेके आए हुए, तो काफ़ी बढ़िया कलेक्शन था। इसमें आपको बनारसी के ऑप्शंस मिल रहे थे, और भी बहुत अच्छी शिमर मिल रही थी इसमें, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। क्राउड इतना होता है ना भैया के पास, बिल्कुल झांकने की जगह नहीं होती है, तो जब भी किसी क्राउड में खड़े होकर शॉपिंग कर रहे हो उस टाइम पे तो आपको अपने पर्स फोन का खासकर ध्यान रखना है। ज़्यादातर चोरी उसी टाइम होती है, आपको पता नहीं चल पाता है, आप सामान लेने में बिजी होते हो, देखने में बिजी होते हो। तो देखिए इस तरह का कलेक्शन था आज का। चलिए और आगे चलते हैं और आगे का कलेक्शन दिखाती हूँ और मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। तो ये शिमर वाला फैब्रिक मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा था, 30 रुपये मीटर के हिसाब से भैया सेल कर रहे थे इतने सस्ते रेट में। मार्केट वगैरह शॉप वगैरह में ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है। मार्केट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। कुछ भी पूछना हो एजिटेड मार्केट के टाइमिंग मेट्रो स्टेशन तो आप कमेंट कर लेना। चलिए और आगे चलते हैं और आगे का कलेक्शन देखते हैं और मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी यहाँ पे। तो जब भी मार्केट में आना मेट्रो स्टेशन के नीचे के कलेक्शन को ज़रूर देखना, यहाँ पे काफ़ी सही सामान आपको मिल जाता है देखने को। तो देखिए मार्केट का व्यू आप देख सकते हो, कुछ इस तरह की मार्केट थी यहाँ पे, क्राउड तो काफ़ी था यहाँ पे, सामान लगे ना लगे क्राउड होता है हमेशा। तो फिर यहाँ पे एक और भैया ने दुपट्टे लगाए हुए थे जो 150 रुपये के 2 दुपट्टे सेल कर रहे थे, काफ़ी सही थे। अगर आप एक लेते हो तो आपको 80 रुपये का मिलेगा, अगर आप 2 लेते हो तो 150 रुपये में आपको 2 दुपट्टे मिल जाएंगे। क्वालिटी लंबाई चौड़ाई काफ़ी बढ़िया थी, एकदम फ्रेश क्वालिटी के दुपट्टे आपको यहाँ पे मिल रहे थे। तो इसमें ना काफ़ी हैवी दुपट्टे भी थे, और अब ये एक मैम ने यहाँ पे लिया हुआ था ये वाला दुपट्टा वाइन कलर वाला, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे। सॉरी वाइन कलर नहीं है, ये कॉफ़ी कलर ही लग रहा है मुझे। तो इस तरह के दुपट्टे 150 रुपये में 2 काफ़ी सही है, ये आप कहीं और से लोगे ना 100 रुपये 150 रुपये का देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 150 रुपये के 2 मिल रहे हैं।
तो देखिए इस तरह का आपको मार्केट में कलेक्शन इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इतने अफोर्डेबल रेंज में आपको यहाँ पे सभी कलेक्शन देखने को मिलता है। फिर एक भैया ने यहाँ पे टी शर्ट कलेक्शन लगाया हुआ था जिनके पास आपको सभी साइजेस की टी शर्ट मिल रही थी। प्राइस होने वाला था 150 रुपये, 150 रुपीज़ में ये वाले भैया टी शर्ट सेल कर रहे थे यहाँ पे। तो मुझे तो सारी टी शर्ट काफ़ी बढ़िया बढ़िया लगी यहाँ पे देखने को। और एक यहाँ पे अंकल जी खड़े हुए थे, एक भैया खड़े हुए थे, उन्होंने इतनी सारी टी शर्ट ली हुई थी यहाँ से, क्योंकि काफ़ी सस्ते में काफ़ी बढ़िया टी शर्ट अंकल यहाँ पे सेल कर रहे थे। तो अफोर्डेबल प्राइस था इसलिए बहुत अच्छी टी शर्ट थी। 150 रुपीज़ में कहीं भी टी शर्ट ही मिलती है। आप सरोजनी वगैरह चले जाओ ना, वहाँ पे तो 350 रुपीज़ की टी शर्ट देते हैं अब समर में, और कोई भी कलेक्शन लो वहाँ पे 300-350 होता है। तो भैया यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये